आज हम हिंदी गाइड के लिए एक बुक पूछते रहते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस में पूछा था कि कौन सी हिंदी गाइड में हमें ये वाले क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको आज ये हिंदी गाइड दिखा रही हूँ। इसकी लेखिका है पूनम शर्मा और MBD की ये एक बुक है। इसके अलावा हमने एक दूसरी बुक ली थी, यहाँ आप देख सकते हो, ये इस तरह से एक MBD बुक है और दूसरी बुक का नाम दीपक है। वो मैं अपने किसी और वीडियो में आपको उसका रिव्यू बताऊंगी। तो आप देख सकते हो ये इस तरह से हमने ₹290 इसका मूल्य है और इसमें यहाँ पर व्याकरण का ये वाला पोर्शन कवर किया हुआ है। व्याकरण के लिए ये सभी अच्छे से इसमें डिटेल में दी हुई है। और इसके बाद आप यहाँ देखो, ये सभी चैप्टर्स हैं इसके, प्रतीका भाग दो के, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, सूरदास के पद, शब्द अलंकार और साना साना हाथ जोड़ी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, नेताजी का चश्मा, और ये सभी आप पार्ट देख सकते हो। इसके बाद जो है मैं आपको एक बार बताऊंगी कि किस तरह से इसमें अच्छे से वर्णन किया गया है। यहाँ आप देखिए, भाग दो का पद्य खंड जो है, इसमें सबसे पहले कवि परिचय दिया है। कवि परिचय के बाद हमें जो पद है उनका सार देखने को मिल जाएगा। सारांश में ये इतना सभी सार दिया हुआ है। उसके बाद हर पद की यहाँ पर आपको व्याख्या देखने को मिल जाएगी। व्याख्या में आप देखिए, शब्दार्थ भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं और उसके बाद प्रसंग यहाँ पर बताया है और व्याख्या भी अच्छे से बताई गई है। पुस्तक की भाषा जो है काफ़ी अच्छी है। साहित्यिक हिंदी में अच्छे से यहाँ पर हर चीज़ का वर्णन किया गया है और पद पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न के यहाँ पर, ये देखो, ये वाले क्वेश्चंस जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कई बार हमें बहुत मदद करते हैं। उसके बाद इन सभी प्रश्नों के यहाँ उत्तर दिए गए हैं। लघु प्रश्न भी हम इन्हें बोल सकते हैं। यहाँ देखिए, आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। उसके बाद पद पर आधारित सौंदर्य सराहना संबंधी प्रश्न जो है यहाँ आपको मिल जाएंगे, देख सकते हो ये। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेंजा के फिर से ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। अभी मैं आपको इसके प्रश्नों के तरीका दिखा देती हूँ कि किस तरह के प्रश्न निश्चित में मिल जाएंगे। यहाँ देखो, ये अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान या अति बड़भागी कहने में क्या व्यंग्य नहीं था। तो इसके, ये बुक आपको परचेज करनी है तो मैं सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको दूंगी, आप वहाँ उनसे कॉन्टैक्ट करके बुक को मंगवा सकते हो। ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी भाषा का यहाँ पर, साहित्यिक भाषा का प्रयोग करके इसको लिखा गया है और मुझे अच्छी लगी है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। यहाँ देखिए, फिर ये रचना और अभिव्यक्ति में भी इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ मिल रहे हैं। और उसके बाद हम कुछ उपयोगी प्रश्नों पर आ जाते हैं और ये बहुविकल्पी प्रश्न जो है ये बताए गए हैं और ये सारे आप देख सकते हो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। इसी तरह से हम किसी भी चैप्टर में देखेंगे तो सभी में अच्छे से हमें ये, इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और आप देखिए, काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। और इसके अलावा मैं दीपक का भी हमने यूज़ किया था अपने वीडियोस के लिए, जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे, तो वो गाइड भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ देखिए, आप इस तरह से काव्य दिए हुए हैं और हर काव्य की सेपसंग व्याख्या और अवतरण पर आधारित प्रश्न भी हैं और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी दिए गए हैं। यहाँ पर हम उसके बाद आ जाते हैं। देखिए, यहाँ आप देखो, व्याकरण जो सेशन है, व्याकरण सेशन में बहुत ही डिटेल में काफ़ी प्रश्न दिए हुए हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, हर चीज़ का, ये देखो आप, व्याकरण पोर्शन इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बहुत ही संक्षिप्त में भी, साथ ही सार गर्भित, जिसे कहते हैं ना कि हमारे काम के उपयोगी उपयोगी वस्तुएं में यहाँ पर मिल जाएंगे, काफ़ी उदाहरण मिल जाएंगे। यहाँ देखो, हर चीज़ का उदाहरण आपको मिलेगा। मूल शब्द के बाद शब्द रूप प्रत्यय बताए हैं हमें यहाँ पर, कौन सा प्रत्यय का जो है प्रयोग हुआ है।
इसके बाद मुहावरा सेक्शन आ जाता है। मुहावरा सेक्शन में भी सारे मुहावरे सर्वासाथी वाक्य में प्रयोग भी बताया गया है, काफ़ी उपयोगी हो सकती है अगर इसे किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी पढ़ा जाए। उसके बाद आप यहाँ देखो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, और ये आप देखिए वाच्य में आप देख सकते हैं, वाच्य सेक्शन में दिखा रही हूँ आपको। और इसके बाद है ये उदाहरण है सभी वाच्य के, पितृवाच्य कर्मवाच्य, और यहाँ पर आप पर्यायवाची शब्दों का फिर हमारा सेक्शन आ जाता है।